चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। नमस्कार, मैं सोमेश आपके साथ। बिहार में पंचायत चुनाव की गतिविधियां तेज है और इसी बीच हम पंचायत चुनाव पे लगातार आपको विभिन्न पंचायतों से वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करके हाल बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम सिवान के हुसैनगंज के खानपुर खैराटी पंचायत में हैं। खानपुर खैराटी पंचायत वही है जिसके अधीन हुसैनगंज जो प्रखंड मुख्यालय है वो आता है, उसका कार्यालय आता है। और यह हमारे साथ यहाँ के मुखिया हैं सनाउल्लाह अंसारी उर्फ टुन्ना अंसारी, और ये हमारे साथ हैं। इनसे ही हम जानेंगे कि क्या है इनके जो पंचायत है वहाँ के हालात, इन्हीं की जुबानी। सनाउल्लाह जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या है आपके अभी पंचायत की स्थिति? पंचायत की स्थिति बहुत अच्छा है। गली नली जल नल योजना 99% कम्प्लीट है। एक दो जल नल योजना जो है काम प्रगति पर है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में जब पूरा हो जाएगा, जनता मतलब जिस उम्मीद के साथ आपको मुखिया का ताज आपके सर पे सजाया था, उतना आप जनता को दे पाए हैं या खुद से महसूस करते हैं? जी, जिस उम्मीद से हमको हमारे पंचायत के लोग मुखिया चुना था, उस उम्मीद पर मैं खड़ा उतरा हूँ और मेहनत ईमानदारी से जनता के साथ काम किया हूँ। सबसे पहले मैंने अपना खानपुर खराटी जो पंचायत है उसी गांव में जब हम जीते तो लोग बोलने लगे कि मुखिया जी, आज़ादी के बाद हमारे गांव में कोई आज तक एक ईंट भी नहीं रखा है। सबसे पहले हमने उसी गांव को, जितना भी उस गांव में गली नली सबको कंप्लीट किया। वहाँ से लोग हमको बहुत इज्जत दिए, बहुत सराहना किया। सबसे पहले हम उसी गांव में कम से कम 32 लाख रुपया के लागत से पूरा गांव को मैंने काम किया। TCC पेवर ब्लॉक नाली सब कंप्लीट कर दिए। आपके पंचायत में अब द रिकॉर्ड लोग ये बोल रहे हैं कि मुखिया जी मुंह देखकर काम कराए। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद अपना माध्यम से हमारे पंचायत में घूम कर देख लीजिए। 13 वार्ड है, 13 वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं होगा जिसमें हमने काम नहीं कराया है। करीब 6-7 वार्ड है कि मैंने पूरा काम, जितना भी रोड गली नली है सब हम कंप्लीट करा दिए हैं। तो फिर भी लोग आपको ये आरोप लगा रहे हैं कि तो विपक्ष के काम है। विपक्ष तो कभी किसी दूसरा की बड़ाई नहीं कर सकता है, तारीफ नहीं कर सकता है। आप भी अपना माध्यम से घूम कर देख लीजिए खानपुर खराटी का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आप घूमिएगा तो खुद पता चल जाएगा। जो है सो कि अब एक बार फिर से आप मुखिया के मतलब कि मुखिया के चुनाव के लिए जनता के बीच आप एक बार फिर से जा रहे हैं, दोबारा एक बार, तो आप वर्तमान में सिटिंग मुखिया है ही, दोबारा जा रहे हैं तो जनता का क्या रिस्पॉन्स? दोबारा अगर जनता ने चांस दिया तो जो छूटा काम है उसको कंप्लीट करेंगे। जो थोड़ा भाईचारा में दूरी है उसको हम पहले सबको मिला के अपना भाईचारा आपस में बढ़ाएंगे। कुछ धार्मिक जगह है जिसमें दिक्कत है, साफ सफाई नहीं है, जाने आने का रास्ता नहीं है, उसको हम अपने पंचायत के लोगों के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। युवा जो होता है सबसे ज़्यादा, मान लीजिए कि युवा आजकल जागरूक है, अगर किस समाज में तो युवा है, पढ़ा लिखा है, युवा के लिए क्या आपके तरफ से विशेष होगा? युवा के लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि जो युवा हमारे रोजगार के लायक हैं उनको रोजगार दिया जाए, या हम लोग के माध्यम से अगर कुछ हो रहा है तो सरकार हम लोग को भी आदेश दे कि कुछ रोजगार उन लोग को दे पंचायत स्तर पर। जी, अभी तक मान लीजिए कि जब आप 2016 में जीते, 2021 यानी आपका टर्म अब कंप्लीट हो रहा है, चुनाव के आप मैदान में हैं, ऐसे में वो काम जो आपसे मतलब कि जो आप नहीं करा पाए हो सोच करके जनता के लिए? हमने जो भी सोचा था, जनता का जो जरूरत था, करीब करीब वो काम हमने पूरा कर दिया है। थोड़ा सा रह गया, करीब 1% मान के चले कि पंचायत में काम रह गया। एक दो ठो PCC रोड है और दो नाला है। अगर जनता ने चांस दिया तो सबसे पहले वही काम होगा।
उषा टाउन में। आपके पंचायत में हमने घूमा, कई ऐसे मान लीजिए सड़क हैं जिसकी हालात जर्जर हैं, एक दो नहीं दो कई हो सकते, वही दो यही जो हम नहीं बोला कि दो तीन रह गया सड़क, तो पाँच साल में देखते हम लोग भी किसी का अधीन है, सरकार ने अगर पैसा दे दिया होता तो वो भी पूरा हो गया होता। लेकिन कोशिश है कि अगर टाइम मिलता है चांस मिलता है तो उसको भी हम पूरा करेंगे। चलिए बात तो अब चुनाव की करते हैं। चुनाव में जिस तरह के आपके पंचायत में पोस्टर से पटा पड़ा है आपका पंचायत, ये लोकतंत्र है, सबका हक है इलेक्शन लड़ने के लिए। अब उसमें अच्छा खराब जनता चुनेगी, जनता से हमारा कोई शिकायत नहीं। पाँच साल में जनता को हमारे पंचायत के जनता से हमें भरपूर मदद मिला है, सराहना हुआ है, हमें कोई दिक्कत कहीं भी कोई काम करने में जनता की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुआ, प्रशासन की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जो लोग इतने लोग आप जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 15 के आसपास कैंडिडेट हैं, सिर्फ मुखिया के प्रत्याशी हैं आपके क्षेत्र में, तो वैसे लोगों के बीच में आपको ही एक बार फिर से जनता क्यों चुनेगी? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जनता से जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जनता के बहुत उम्मीद पे आए होंगे, 15 की संख्या कम नहीं होती है, उसमें आप भी हैं। देखिए जनता इस पंचायत के टोटल जो भी लोग रहते हैं पंचायत के रहते हैं, पंचायत के लोग जनता सबको जानती है, कि सबको इलेक्शन लड़ने का हक है, इसमें अच्छा खराब जनता खुद चुनेगी। हमें उम्मीद है कि जनता के साथ हम विश्वास और मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ बीच में रहे हैं, टाइम कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि हम पंचायत में जनता के बीच नहीं रहते हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमें फिर चांस देगी, फिर से चांस देगी। बहुत सारे कैंडिडेट हैं आपके पंचायत के कि जो जो पोस्टर पे तो दिखे हैं, लोग बता रहे थे कि बाहर से उनके लिए कुछ, अब उसका फैसला जनता करेगी, जनता करेगी। अच्छा आपके पंचायत में भी पैराशूट वाले कैंडिडेट आए हैं क्या? नहीं वो तो नहीं देखे हैं। पैराशूट कहने का मतलब कि अब कहीं थे फिर चुनाव लड़ने? हाँ वैसा है कैंडिडेट, लेकिन वो तो जनता फैसला करेगी, जो जनता के बीच है उसको मदद जरूर मिलेगा, कामयाबी जरूर मिलेगा। विरोधियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं विरोधियों के लिए कुछ नहीं कहना, हमारा विरोध कोई नहीं है, अभी तक हमारे विरोध में कोई किसी ने कुछ गलत बात या गलत काम नहीं किया है। चुनाव लड़ने जितना भी हमारे कैंडिडेट अभी जो पोस्टर लगाए हैं हमारे विरोध कोई कोई कहीं कुछ नहीं बोला। हम जनता से ये अपना पंचायत के जनता के लोगों से इतना जरूर आग्रह करेंगे कि 5 साल के लिए इलेक्शन होता है 60 महीना, सावधानी से अच्छा कैंडिडेट चुने कि पंचायत को विकास हो, अमन चैन रहे, हर वर्ग के लोग मिलजुल के रहें जी, शांति बहाल रहे। बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया इसके लिए। तो ये थे खानपुर खैराती पंचायत के मुखिया सनाउल्लाह अंसारी उर्फ टुन्ना अंसारी। बहुत बेबाकी के साथ इन्होंने अपने कार्यों का ब्यौरा रखा, बताया हमें। खैर अभी ये तो शुरुआत हो रही है, आगे फिर इनसे मुलाकात होगी जब धीरे धीरे चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, हम फिर से इनके बीच आएंगे और वहाँ पे इनके और लोग हैं जो कैंडिडेट हैं वो लोग उन लोगों के भी पास जाएंगे, उनका क्या रहा है, और उसके बाद से हम आप ये जज कर पाएंगे, आप खुद ही समझ पाएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना पक्ष रख दिया। अब जनता की बारी है, जनता क्या करती है, चुनाव में जनता किसे चुनती है। इन्होंने से ठीक ही कहा कि जनता की बारी है, जनता जिसे चुनेगी अमन चैन शांति और विकास की गंगा बहाने के लिए चुनेगी। तो ऐसे ही हम चलेंगे किसी और पंचायत में, वहाँ दिखाएंगे आपके हालात, वहाँ के पंचायत के जनप्रतिनिधि जो हैं वर्तमान में उनसे बात करेंगे और उन्होंने क्या किया उनसे ये ब्यौरा मांगेंगे। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी और फहीम अहमद के साथ सोमेश कुमार सिंह, खानपुर खैराटी, हुसैनगंज। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान।
आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़ सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। मोबाइल नंबर है 7543886786, 7903111614, प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, और आप सबको मेरा आदाब। मैं हूँ अपरा मेहता। भाई, स्मार्ट हो गया आजकल की पढ़ाई का तरीका। अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो ये जरूरी तो नहीं है कि आपके बेटे को भी वही करना चाहिए, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जमाने ने हमारे बच्चों की पढ़ाई को भी कर दिया है अपग्रेड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिवान के नंबर 1 स्कूल डॉन बॉस्को हाई स्कूल, जहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि मॉडर्न और इंटरेस्टिंग तरीकों से बच्चों को नॉलेजेबल बनाया जाता है, जिसकी वजह से जिंदगी की आगे की दौड़ में बच्चा अपनी मंजिल खुद तलाश कर सके। साथ ही आपके बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल हर तरह के स्किल को डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और जिंदगी की रेस में वो रह सकता है सबसे आगे। अपने बच्चे के बेहतर कल के लिए मैंने चुना है डॉन बॉस्को हाई स्कूल, संपूर्ण विकास और प्रगतिशील सोच वाला शहर का एकमात्र स्कूल। आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए यही है बेस्ट, इसीलिए आज ही विजिट कीजिए डॉन बॉस्को हाई स्कूल या फिर लॉग ऑन टू www.dbhs.edu.in पर। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयां उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चौमिंग, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, ना पेट्रोल, ना मोबिल, ना रजिस्ट्रेशन, ना ड्राइविंग लाइसेंस, झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर। विजय सेल्स लेकर आया है कुमार्टी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीगो कंपनी का ई रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में, विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड चाप ढाला के नजदीक सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9939865500, 8709001639, 8539101041।